ये कहना चाहती हूँ कि सारी जनता बनी रहे, ऊपर वाला इतना देवे हमारे जजमान को कि हम एक नहीं दसियों शादियाँ करें और गरीब की खूब मदद करें। जाने कौन सा कर्म किया कि इस जन्म में किन्नर समाज में आए, और फिर इस जन्म में भी अच्छा कर्म ना करें तो अगला जन्म भी बेकार हो जावे। आपने आज तक किन्नर समाज के लोगों को घरों से बधाइयां लेते देखा होगा। ये लोग खुशियों के मौके पर हमारे आपके घर पहुंचते हैं और हमसे बधाई के तौर पर पैसे लेते हैं, जिससे इनका खर्च चलता है। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि किन्नर समाज के लोगों ने समाज को सही रास्ता दिखाने की कोशिशें शुरू की हैं। जी हाँ, रामनगरी अयोध्या में किन्नरों ने गरीब और जरूरतमंद बेटियों की शादी कराने का जिम्मा उठाया है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। तस्वीरों में दिख रही किन्नर का नाम पिंकी मिश्रा है। पिंकी मिश्रा बचपन से किन्नर गुलशन बिंदु के पास रही हैं और वो उनका चेला भी है। गुजरे वक्त पर नजर डालें तो गुलशन बिंदु को अयोध्या जिले में सबसे बेहतर समाज सेवी माना जाता था। उन्होंने अपनी जिंदगी में 250 से ज्यादा गरीब लड़कियों की शादी करवाई। इतना ही नहीं, वो एक यतीम खाना यानी अनाथ आश्रम भी चलाती थी जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं। गुलशन बिंदु तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके शिष्यों ने उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। ये तस्वीरें उस शादी की हैं जिसकी जिम्मेदारी गुलशन बिंदु की चेली पिंकी किन्नर ने उठा रखी है। इस शादी में हर वो चीज है जो किसी भी आलीशान शादी में होनी चाहिए। हनुमानगढ़ी अयोध्या फैजाबाद की जो है जनता और हमारे किन्नर समाज की जनता को मेरा दिल जानता है। कल की रात से जब से शादी पास आई है तब से दिल नहीं मान रहा है। कल की रात भी नहीं सोए हैं, पूरी रात उलझन कि सुबह बेटी चली जाएगी और आगे मैं क्या कहूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि सारी जनता बनी रहे, ऊपर वाला इतना देवे हमारे जजमान को कि हम एक नहीं दसियों शादियाँ करें और गरीब की खूब मदद करें। बस परमात्मा इतना हमें देवे कि पहले मैं चार को खिला दूं फिर मैं खाऊं। किन्नर पिंकी मिश्रा ने अपने संरक्षण में 5 बेटियां और 2 बेटों को रखा है, जिसमें एक बेटी की शादी हो रही है, बाकी की 4 बेटियां और एक बेटा पढ़ रहा है। एक बेटा अभी छोटा है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए पिंकी ने साफ कहा कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए, समाज की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे काम ही हमेशा याद रखे जाते हैं। जितना जिससे हो सके गरीब लड़कियों बच्चियों की शादी है, गरीब लोगों की मदद है, वो करें। और मैं अपने पूरे किन्नर समाज से गुजारिश करती हूँ कि सब अच्छे अच्छे काम करें, नेक काम करें कि उनका अगला जन्म अच्छा हो जाए, है ना। जाने कौन सा कर्म किया कि इस जन्म में किन्नर समाज में आए, और फिर इस जन्म में भी अच्छा कर्म ना करें तो अगला जन्म भी बेकार हो जावे। तो इसलिए इस जन्म में इतना झेल रहे हैं कि परमात्मा इतना कर दे में कि अगला जन्म तो सुधर जाए। बचपन से हमारी पूरी इनको पाली है, पोसी है और क्या कहते हैं, नेक काम कर रही हैं, सीख दे रही हैं। हम 18-20 उनके चेले हैं, सब लोग हमें भी सीख दे रही हैं कि आगे अच्छा काम करें, आगे वाला जन्म अच्छा हो। बस हम लोगों को एक तरफ से दुख भी है और एक तरफ से खुशी भी है, किसी के बच्चे का घर बस रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे गुरु गरीबों का साथ देती हैं, उनके साथ भलाई करती हैं, अच्छाई करती हैं, उनको अपना समझती हैं, उनके दुख दर्द में साथ रहती हैं। ठीक है, अभी हमारी गुरु ने 4 बेटियां और बची है अभी शादी के लिए, और भी बहुत सारा दान करती हैं। किन्नर पिंकी मिश्रा ने जिस तरह बेटी की शादी की तैयारियां की उसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि इतना बेहतर इंतजाम तो आज की तारीख में अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। ये खबर हमारे संवाददाता आजम खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।